ऑनलाइन सैम हमारे पास क्या है जो कंप्लेंट यहाँ से आती थी जिस तरह तो सबसे पहले क्या होगा जो बंदा शिकायत करने वाला होगा वो अपना मोबाइल नंबर डालेगा उसको ओटीपी आएगा ताकि कोई किसी के फोर्स से उसके बाद यहाँ से हमने ये लाइव है जिसे अभी हम लाइव टेस्ट कर रहे हैं जो की भरो डिपार्टमेंट का देखिए आज जो हमने ऐप लॉन्च की है आवाज़ रजौरी इसका नाम है क्योंकि आप जानते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो है कंप्लेंट करते हैं काफ़ी से लोग हमारे ऑफिस में आते हैं ऑफिस में कंप्लेंट दर्ज करते हैं उन कंप्लेंट्स को मौत करके नीचे जाती हैं कंप्लेंट्स उनका जो है प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होता है उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज हमने जो आवाज़ रजौरी यहाँ पर लॉन्च किया है इसमें मोबाइल ऐप है इसमें दोनों फीचर हैं ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी तो ऑनलाइन वाला फीचर जो है वो मोबाइल के जरिए डिस्ट्रिक्ट के किसी भी कोने से मैं कहूँगा कि कहीं से भी जो है वो कंप्लेंट जो है दर्ज कर सकते हैं आपने लेकिन उस कंप्लेंट को दर्ज करने के लिए उसको पहले अपना टेलीफोन नंबर डालना पड़ेगा उसके बाद उसको ओटीपी आएगा ओटीपी आने के बाद उसका जब ओटीपी जनरेट होगा उसका तो ओटीपी डालने के बाद उसका जो है वो फ्रंट पेज खुलेगा फ्रंट पेज पे सारी डिटेल्स वो डालेगा साथ साथ ही उसकी जो कंप्लेंट्स होगी वो पे डालेंगे और उसके बाद कंप्लेंट जो होगी जो एडमिन डैशबोर्ड है उस पर आ जाएगी एडमिन डैशबोर्ड से जो है फर्दर जो है डिपार्टमेंट्स को कंप्लेंट भेजी जाएगी और डिपार्टमेंट्स को कंप्लेंट भेजने के बाद उसकी इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी रिपोर्ट होने के बाद जो है वो रिवर्स में फिर वापस आएगी तो जो ये डैशबोर्ड है इस डैशबोर्ड को जो है जो एडमिन डैशबोर्ड है इसको मैं भी जो है असेस कर सकता हूँ इसके साथ साथ जो है वर्क की चीफ सेक्रेटरी भी जो है वो देखेंगे लेकिन जो डिपार्टमेंट वाइज हमने डैशबोर्ड्स क्रिएट किए उन डिपार्टमेंट्स के डैशबोर्ड्स को जो है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उनका जो है एचओडी और उनका जो कंसर्न सेक्रेटरी है वो उसको असेस कर सकता है इसके साथ साथ इसके अंदर हमने एक वो जो है ऑफलाइन फीचर जो है क्योंकि काफी सारी कंप्लेंट जो है डीसी ऑफिस में आती है चाहे वो एडीसी के पास आती है एसीआर के पास आती है मेरे पास आती है तो उनका प्रॉपर डिस्पोजल तो नहीं होता है क्योंकि उनका जो है प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है कि बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स होती हैं तो वो हमारे यहाँ जो सेल हमने कॉन्स्टिट्यूट किया है जितनी भी कंप्लेंट्स मेरे पास आएंगी या हमारे डीसी ऑफिस में जितनी कंप्लेंट्स आएंगी उन कंप्लेंट्स को ऑफलाइन लोड किया जाएगा उस कंप्लेंट के ऊपर जो टेलीफोन नंबर दर्ज किया जाएगी जो कंप्लेंट होगा उसके बाद जैसे उसकी कंप्लेंट ऑफलाइन मोड से एंटर होगी उसको ओटीपी चला जाएगा ओटीपी चलने के बाद जो ऑनलाइन प्रोसेस में हमारा ऑनलाइन जो हमारा प्रोसेस है वही इसमें होगा इससे जो है कंप्लेंट जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट की जिस डिपार्टमेंट की कंप्लेंट होगी उस एलोकेट की जाएगी उस कंप्लेंट के बाद उसकी इंक्वायरी होने के बाद इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी उस इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद जब कंप्लेंट फाइनल हो जाएगी फाइनल होने के बाद उस बंदे को एसएमएस चला जाएगा कि वो उसकी कंप्लेंट जो है रिजॉल्व हो गई है उसकी कंप्लेंट को एड्रेस किया गया एड्रेस करने के बाद उसको कंप्लेंट जाएगी अगर वो उस कंप्लेंट से सेटिस्फाइड होगा तो ठीक है अगर नहीं सेटिस्फाइड होता उसको फ्रेश कंप्लेंट दोबारा से